हाय एवरीवन, आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग समझ सके कि कैसे हम लोग अपने यूट्यूब वीडियोस में टैग्स लगाते हैं। जो भी नए यूट्यूबर हैं या जो भी यूट्यूब के में अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो आज का इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि हम लोग वीडियो में एक अच्छा कीवर्ड लगाते हैं, एक अच्छा टैग यूज़ करते हैं, तो हमारा वीडियो हमेशा सर्च में जाता है। तो किसी भी वीडियो के लिए टैग कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, उसके लिए मैं आज आपको एक वेबसाइट बताने वाली हूँ, rapidtags.com। हम लोग उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक वीडियो देख रहे होंगे, 3D कार्टून वीडियो बनाने बनाए मोबाइल से। तो यहाँ पे हमें अपने वीडियो में कौन सा टैग लगाना है, इसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 3D कार्टून। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे 3D कार्टून लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे जो टैग हैं जो कि हमेशा सर्च किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो यहाँ पे आ चुका है। तो यदि आप न्यू यूट्यूबर हैं, नया नया अभी आपने चैनल बनाया है और आपको वीडियोस डालने हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसा होता है जिसमें दो से अधिक वर्ड्स होते हैं। लाइक जैसे कि ये वाला जो कीवर्ड है यहाँ पे क्या है, दो से अधिक है। इन सभी को भी देख लें, जहाँ पे दो या तीन से अधिक कीवर्ड वर्ड्स हैं वो वाले आप यूज़ कर सकते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। नया नया जब हम लोग चैनल बनाते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है ना, तो हमारा कंटेंट सर्च में होता है ना ही चैनल सर्च में होता है, तो हमें हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। जैसे जैसे आप ओल्ड हो जाएंगे, आपका वीडियो रैंक करने लग जाएगा, तो आप लोग शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड है 3D कार्टून। 3D कार्टून जैसे ही कोई डालेगा तो आपका वीडियो सर्च में आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेती हूँ, 3D कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं मोबाइल से। यहाँ पे इसको सर्च करने पे नीचे में जो भी इससे रिलेटेड के वीडियोज हैं वो आएंगे। तो यदि आपका वीडियो इससे रिलेटेड रहेगा तो आपका नीचे सर्च में आएगा। यदि फिर भी सर्च में नहीं आ रहा है एंड आपने उसी डे वीडियो को अपलोड किया है, तो यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर क्या कर लेते हैं, टुडे, तो वो आ जाता है। तो अब इसके लिए जो कीवर्ड है ये वाला, सिर्फ हमें एक कीवर्ड तो नहीं लगाना है, और भी कीवर्ड्स लगाने हैं जो कि इससे रिलेटेड होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग एक सर्च करते हैं रैपिड टैग्स। यहाँ पे रैपिड टैग सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है rapidtags.io, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक कीवर्ड को पहले रीड कर लेना है। रीड इसलिए कर लेना है क्योंकि कोई भी यहाँ पे ऐसा कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो कि आपके वीडियो से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो कीवर्ड सर्च करने पे आपका वीडियो आएगा, कोई उसे देखेगा नहीं, एक इम्प्रेशन आपका बन जाएगा वहाँ पे, वीडियो जैसे ही आएगा, लेकिन वो इम्प्रेशन क्या होगा, विजिट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसा कीवर्ड डालना है जो कि आपके वीडियो से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे एक एक कीवर्ड को चेक कर लेना है कि हाँ ये आपके वीडियो, कोई भी जैसे कीवर्ड यहाँ पे ऐसा आ जाता है जो कि नहीं है आपके वीडियो से रिलेटेड, तो सिंपली क्रॉस पे क्लिक कर देना है, वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद इन सभी कीवर्ड्स को आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है। फर्स्ट थिंग, कहाँ पे डालना है, डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, कहाँ यूज़ करना है इसको, डिस्क्रिप्शन से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो कीवर्ड्स या टैग करके आता है, टैग्स करके आता है, वहाँ पे इन सभी को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो डिस्क्रिप्शन में डालना है और कीवर्ड्स में डालना है, और इन सभी कीवर्ड्स को यूज़ करने के बाद, वहाँ पे पेस्ट करने के बाद अपलोड कर देना है। अब उसके बाद जब भी कोई पर्सन इन सभी कीवर्ड्स को सर्च करता है तो आपका वीडियो आएगा। यदि नया नया है तो नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने न्यू अपलोड किया है तो टुडे कर लेना है, एक वीक के अंदर अपलोड है तो वीक कर लेंगे, एक वीक के बाद है तो वो मंथ हो जाता है, और एक मंथ के बाद है तो वो ईयर में आ जाएगा फिल्टर करने पे।
लेकिन जैसे जैसे आपकी वीडियो बार बार वॉच होगी तो क्या होगा, उसका रैंक अच्छा हो जाएगा एंड फिर वीडियो सर्च करने में फर्स्ट नंबर पे अपने आप आने लग जाता है। तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन इस चीज़ को लेके कि हमें कैसे कीवर्ड अपना वीडियोस में लगाना है, कौन कौन से कीवर्ड लगाने हैं, उन कीवर्ड्स को कहाँ से लेना है। रैपिड टैक्स डॉट आईओ जनरेटर से ले सकते हैं, और भी बहुत सारे साइट्स हैं, ऐप्स हैं जहाँ से हम लोग लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ रैपिड टैक्स के बारे में बताने वाली थी, तो मैंने आपके साथ वही डिस्कस किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।